हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं फन विद अली। और चलिए किस कमाल की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यार आज की वीडियो में हमें इनवाइट किया है हमारे बहुत प्यारे जो है ना भाई जान, जो मैं कह रहे थे कि मैं आपका फ़ैन हूँ, तो अली नाम था शायद उनका। तो उन्होंने हमें अपने जो है ना फार्म हाउस पर किया इन्वाइट। तो अभी चलते हैं उनके पास, रेडी शेडी में हो चुका हूँ उधर। असद भी रेडी, बाइकिंग कर ली है, अभी जल्दी से चलते हैं और उनके पास चलते हैं, आपको मिलाते हैं उनके साथ। यार भाई लोगों ने हमें लेके आना था फार्म पे, तो हम लोग ना अभी फार्म पे जा रहे हैं। हम लोग पहले भाई के घर गए थे, तो मैंने ना व्लॉग को ज़्यादा बनाया नहीं इसलिए क्योंकि हमने टाइम दिया था भाई को 5 बजे का और ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे, 6:15 हो गए थे। फिर मैंने कहा भाई और टाइम ना वेस्ट किया करें, हम ना निकलते हैं सीधा ही। तो अभी हम लोग आ रहे हैं, तो वहाँ उतर के मैं बाकी का व्लॉग करने भाई बस जा ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। ये ना भाई के फार्म पे आ चुके हैं, इधर दिखाओ यार सर इनको, और इधर बाइक भी दिखाओ। दूसरा बाइक किधर गया यार? वो पास गया, उसको बुलाते हैं। भाई थोड़ा शाये है, किधर है? वो जल्दी आओ यार। आ जाओ यार, आ जाओ। अरम जैसा है नहीं, है ना? यार कहाँ रह गए आप, व्लॉग में नहीं आना चाहते? यार क्या नाम है भैया आपका? अहमद। अहमद नाम है। हेलो बोलो यार। चलाओ आओ यार, इनको जो ना दिखाते हैं जरा इनकी गाय वगैरह। अंदर आ चुके हैं, इधर देखो इस साइड पे भी गाय वगैरह हैं, इधर भी हैं। अभी भाई से पूछते हैं कि ये क्या चक्कर है कि आधे इधर हैं आधे इधर है। यार इधर आओ भाई, हमें बताओ यार, आधी इधर आपने रखी है आधी इधर, इसका क्या चक्कर है? ये बच्चे हैं भाई। अच्छा अच्छा, ये हाँ ये बच्चे हैं और ये गाय वगैरह, इसलिए उन्होंने ना आधे आधे। और ये बच्चे देखो यार, वो जो इधर गाय वगैरह ना उनके ये बच्चे हैं, कितने यार माशाल्लाह प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हैं यार। इधर जो है ना गाय का दूध वगैरह निकालते हैं मशीनों से, लेकिन अभी जो है ना वो निकाल लिया हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम लेट हो चुके हैं। भाई को हमने टाइम तो 5 बजे का दिया था, लेकिन हम 6 बजे आए इनके पास, तो गलती हमारी है, हमने जो है ना नहीं बना सके उसकी वीडियो। यार इधर आ चुके हैं जहाँ पे भैंसे वगैरह ना नहाती हैं। असल इधर ऊपर आके दिखाओ यार एक दफ़ा, अंदर भैंसे वगैरह हैं भी हैं, वो देखो सामने बड़े इंजॉय कर रही हैं, नहा रही हैं। मेरे ख्याल से कैमरे से डर जाती हैं ना, यही है या मुझसे डर जाती हैं, कैमरे से डर जाती हैं। बड़ा यार मजे का इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। अभी ऐसे छलांग लगाने लगा था इसके अंदर ही, मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है उसे। यार इधर जो है ना नहाने के लिए, इंसानों के नहाने के लिए टोल बनाया गया है। यहाँ पे असद यहाँ पे भी छलांग लगाने लगा था, पर अभी मैंने कहा है कि रुक जा यार, अभी कपड़े वगैरह पहन के आया हुआ है, अभी छलांगे ना लगा फिर लगा लेंगे। आप मेरी फुल लुक क्यों दिखा रहे हो यार? वैसे यार इधर हम आ चुके हैं, यहाँ पे साथ ही फार्म है, दिखा दो यार असद एक दफा। पीछे भाई लोगों की फैक्ट्री भी है, वो भी दिखा दो एक दफ़ा, विजिट करवा दो। और फैक्ट्री और फार्म के बिल्कुल पीछे जो है ना भाई लोगों की ज़मीनें हैं जहाँ पे धान की फसल लगाई हुई है अभी इस वक्त, और साथ ही नाले में से पानी आ रहा है जो कि अभी फ्रेश फ्रेश पानी लग रहा है, काफ़ी मज़े का सीन आ रहा है। अभी यहाँ पे हम तस्वीरें भी बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू है और बननी चाहिए तस्वीरें। इधर आ चुके हैं यार हम लोग बकरों के फार्म में, यहाँ पे और देखो यार वो बकरे भी हैं, दिखा यार सब वो बकरे तो दिखा इन्हें पहले नीचे, वो देखो यार क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। अभी भाई लोग ना ये वाले फॉर्म पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा देखते हैं कि इधर क्या सीन वगैरह है। यार इधर आ चुके हैं हम दूसरे वाले फॉर्म पे, इधर भी गाय वगैरह काफ़ी हैं, और ना इधर मेरी भी ना गाय के ठंडक के लिए उन्होंने देखो ये पानी वगैरह भी लगाया हुआ है। करीब जाके थोड़ा दिखाओ, थोड़ा करीब जाके दिखाओ यार, यार ये कितना अच्छा सिस्टम है, करीब जाके दिखा दे। ये देखो इन्होंने पानी वगैरह आ रहा है ताकि ना ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं ताकि गाय वगैरह को ना गर्मी ना लगे बिल्कुल भी। हाँ पट्टे खा रही है ना बेचारे को, खाने दो यार। इधर देखो यार फिर से छोटे छोटे है ना गाय के बच्चे वगैरह हैं, बड़े मजे के यार इंजॉय कर रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं। बाकी इनका ये जो पानी वाला सिस्टम और हवा वाला सिस्टम है ना मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली। भाई हमारे पास आ चुके हैं जो ये ना सारा काम संभालते हैं, अभी इनसे कोई 2-4 हम सवाल पूछते हैं। तो भाई तुम मैंने ये दसो कि सुबह तुम किन्ने बजे पट्ठे लेके आते हैं? इन्होंने मसलन के सुबह नाश्ता कर देने, उस बाद चले जाते हैं पट्ठे पुट्ठे वगैरह लैन। कितने की बजे? 8-9 बजे पट्ठे लेके वापस आ जाते हैं। कितने की पट्ठे होंगे अंदाजन? अंदाजा के एक ट्राला पट्ठियां दा होता है, पूरा बड़ा ट्राला। हां जी अच्छा, मसलन के सुबह माशाल्लाह 8-9 बजे आते हैं, उस बाद कुतरन वगैरह कुतरन लाके पेंदे ने। सही सही। ते कुतरा वगैरह करके के सारे ने फिर पान लाके पेंदे ने। अच्छा अच्छा। ते कितना की दूध देनी है एक टाइम दा? दूध माशाल्लाह दे देनी है कोई 120 लीटर। अच्छा एक टाइम दा के दो टाइम दा? एक टाइम दा। एक अच्छा सुबह दे 120 ते शाम दा भी 120? जी सही है। ये तीन टाइम मिल रही है ने माशाल्लाह। अच्छा तीन टाइम मिल रही जी।
ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਣੇ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਟਰਪੈਨ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਨਸਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਸਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ। यार आज हमने जो है ना भाई वगैरह के साथ किया अपना कोई 1.5-2 घंटा स्पेंड, हमें तो यार काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे इनका फार्म वगैरह हमने विजिट किया, काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ का माहौल भी। तो भाई यार थैंक यू आपका। ठीक है, ओके यार भाई, थैंक यू आपका है। तो आज के व्लॉग को फिर यहीं पे करते हैं एंड। तो मिलूंगा मैं फिर आपको नेक्स्ट